अभी उनको फोन करके पूछती हूँ। लेकिन फायदा क्या, घर पर झूठ बोला है फोन पर भी झूठ बोलेंगे। तो फिर करे क्या? एक काम हो सकता है। काय? क्या? आप सब एक साथ उन सबको फोन कीजिए, अगर वो लोग साथ में रहे तो आप में से किसी का फोन नहीं उठाएंगे। That's a good idea. चलो सब साथ में फोन करते हैं। रेडी, 1, 2, 3। माधवी का फोन, बबीता का फोन, अंजलि का फोन, कोमल, रोशन का फोन। मतलब हमारी पार्टी सर्टी की बात महिला मंडल तक पहुंच चुकी है। ओहो, बात अहमदाबाद तक पहुंच गई। नहीं नहीं, पोपटलाल का फोन है भाई। ओ ओ, मतलब पोपटलाल महिला मंडल के साथ। देखो क्या आइडिया निकाला है, सबको एक साथ फोन कर रहे हैं ताकि उनको पोपटलाल की बात पे भरोसा हो जाए कि हम सब पार्टी शार्टी करने के लिए साथ में हैं। हाँ तो हम उनका भरोसा पक्का करते हैं ना, एक साथ हम सब फोन काटते हैं। ये बढ़िया आइडिया। 1, 2, 3 काट दिया। इसका मतलब वो सब साथ में है, ये कंफर्म हो गया। हाँ। अब करेंगे क्या? अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? 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 छापा। इतने न्यूज़पेपर? अरे छापा मतलब न्यूज़पेपर नहीं, छापे से मेरा मतलब है छापा मारते हैं। वो सब जहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं वहां जाकर उनको रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो। लेकिन एक दिक्कत है छोटी सी। क्या? क्या? वो लोग पार्टी शार्टी कहाँ कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। भाई। लेकिन आपने कहा था ना कि सारी प्लानिंग आपके सामने ही हुई थी। हाँ मतलब मेरे सामने ही हुई है सारी प्लानिंग, पर जैसे ही मैंने उन सबको रोका ना तो उन लोगों ने मुझे पार्टी शार्टी कहाँ करने वाले ये बात नहीं बताई। तो आप क्या करें? उनके आने का इंतजार, और क्या कर सकते हैं? पोपटलाल, आज ही सबको पकड़वाना पड़ेगा, वरना कल वो लोग बात से मुकर जाएंगे। आज नहीं बल्कि अब भी पकड़वाना पड़ेगा। और कैसे कैसे पता करूं कि वो लोग कहां पार्टी शार्टी कर रहे हैं? अब्दुल को सच बताना ही पड़ेगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके अब्दुल से बात निकलवाता। पोपटलाल, अपने पत्रकार दिमाग का इस्तेमाल करो और पता करो कि वो लोग कहां पार्टी शार्टी कर रहे हैं, वरना हाथ में आई हुई बाजी निकल जाएगी। वो कहां पार्टी शार्टी कर रहे हैं ये जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। क्या? 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 अब्दुल। अब्दुल भाई? अब्दुल भाई? पार्टी शार्टी की सारी प्लानिंग अब्दुल की दुकान पर ही हुई है। अब्दुल को पता होगा वो लोग कहां पार्टी शार्टी कर रहे हैं। एक मिनट बहनो, बैठिए बहनो, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। आप सब बहुत भोली है, उन लोगों ने अब्दुल को पट्टी पढ़ा कर रखी है। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो लोग कहां पार्टी शार्टी कर रहे हैं। उसके लिए शातिर दिमाग चाहिए, जो आपके भाई पत्रकार पोपटलाल के पास। मैं आइडिया से पता करके आता हूं कि वो लोग पार्टी शार्टी कहां कर रहे हैं। आप लोग आराम से बैठे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके पोपट भाऊजी, पोपट भाऊजी कितने अच्छे हैं आप। अच्छे हैं, पुरुष मंडली का साथ ना देकर हम बहनों का साथ दे रहे हैं। बस अब्दुल भाई ये बता दे कि वो लोग पार्टी कहाँ पे कर रहे हैं।
अब्दुल। अरे पोपट भाई छोड़ो बनो। अरे नहीं नहीं रहने दे। सॉरी पोपट भाई, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अरे तुझे मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं दुखी हूँ? मतलब आपको जरा भी दुख नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने घर जाके सोचा कि भाई ये सब मेरे दोस्त हैं, अगर उन्होंने मुझे नहीं ले जाने का फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, तो बस दुख चला गया। देखो तो मुझे बेवकूफ बना रहे। पोपट भाई बहुत बड़ा दिल है आपका। वो तो है भाई, मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि वो लोग वापस कब आ रहे हैं। नहीं पता। नहीं पता कि भाई जैसे वो लोग कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं ये नहीं बता सकता था, वैसे ये भी नहीं बता सकता कि वो लोग कब वापस आ रहे हैं। ऊपर भाई आपको पता है ना, सब लोग ने मुझे सोड़े की कसम दी है। ठीक है भाई मत बता। वो तो क्या है ना, अभी थोड़ी देर में अपने एरिया के 2-3 क्लब में पुलिस का छापा पड़ने वाला है। वो न्यूज मुझे मेरे ऑफिस से अभी मिली है। अच्छा। तो भाई मैंने सोचा कि अगर उन क्लब में से किसी एक क्लब में वो लोग पार्टी शार्टी कर रहे हो तो उनको इन्फॉर्म कर सकते थे ना। दोस्त होने के नाते मैं तो अपना फर्ज निभाऊं। वैसे पोपट भाई आप टेंशन मत लो, पुलिस उनको नहीं पकड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग बाहर किसी क्लब में नहीं गए। तो कहाँ कर रहे? वो किसी प्राइवेट जगह पे बैठे। प्राइवेट जगह मतलब किसी के घर पे हाउस पार्टी? पूरा हाउस भी नहीं, पूरा क्लब भी नहीं, दोनों आधा मिलाकर बैठे। मतलब हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में कर रहे? मैं कैसे भूल गया कि आप एक स्मार्ट पत्रकार हो। पर भाई सॉरी हाँ, अब प्लीज किसी को बोलना नहीं है। अरे बोलना मत क्या, अब तू देख कैसे मैं उनकी पार्टी शार्टी की ऐसी की तैसी करता हूँ। रुक। अरे पोपट भाई प्लीज। मुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे, खुद ही बेवकूफ बन गए। अभी पोपट भाई एप्पल फोन बनने वाले हैं। चलो मेरे भाई को फोन कर देता हूँ और उनको बता देता हूँ कि पोपट भाई को पता चल गया कि पार्टी शार्टी का एड्रेस क्या है। अरे अब्दुल का फोन। काटो काटो काटो। अरे अब्दुल का फोन है, वो हमारे साथ है क्या? काटो काटो काटो। उठाओ 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 उठाओ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, पोपट भाई यहाँ पर आए थे, आप सब लोग क्लब हाउस में पार्टी कर रहे ये जानकर चले गए। अच्छा एक मिनट, उसको शक तो नहीं हुआ ना? आदाराम पोपट लाल को शक तो होना ही चाहिए ना, तभी तो वो महिला मंडल को लेकर इधर आएगा। अरे कसम नहीं रे, मतलब पोपटलाल को शक तो नहीं हुआ कि अब्दुल हमारे साथ मिला हुआ है? हाँ अब्दुल। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हाँ ओके ओके, चलो चलो, थैंक यू। अरे अब कैरम खेलना बंद करो और उस टेबल पे चल के बैठो। अरे वो लोग आते ही होंगे तो उन्हें लगना चाहिए ना कि हम पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ओए सही काम है था सामने, चलो मॉल बनाते हैं। चलो 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 चलो। यस थोड़ी देर में पहला मंडल आ जाएगी तो एक्टर बनने का मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। अरे मैं सोडी, पार्टी शार्टी की बोतल कहाँ है? अरे हाँ वो सोडी, ये पार्टी शार्टी की बोतल का इंतजाम तू करने वाला था ना, कहाँ है बोतल? अरे चुप क्यों है बोलो। सॉरी यारो, वो सुखी को बोतल के लिए बोलना ही भूल गया। कहते सत्यानाश, कर लो अप्रैल फुल कर लो। तो फिर सबको अप्रैल फुल बनाएंगे कैसे? सोडी तुम्हारी वजह से हमारे पूरे प्लान पे पानी फिर गया। अप्रैल फूल बनाया। भाई बोतल आई है, मैं अभी लेकर आया। सॉरी तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अमग ये बॉटल क्लब हाउस में कब आई और कैसे? अरे हाँ क्लब हाउस तो लॉक था भाई। अरे यारो वो मैंने सुखी से कहा था कि बोतल अब्दुल को दे देना, और अब्दुल से कहा था कि बोतल क्लब हाउस में छुपा देना पर किसी को बताना नहीं, लेकिन मुझे बताना।
वाह 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 मजा आ गया। छोटी ये बोतल तो एकदम हूबहू पार्टी सार्टी की बोतल ही लग रही है, लेकिन अंदर शरबत ही है ना भाई। हाँ जेठा प्रा तुसी टेंशन ना लो, ओ मेरे यार सुखी का काम एकदम परफेक्ट होता है। बस बस अरे चलो चलो पार्टी शार्टी शुरू करते हैं, वो लोग आते ही होंगे। चलो भाई चलो। मैं क्या कहता हूँ यारो, थोड़ा थोड़ा ग्लास में डाल लेते, पार्टी शार्टी का माहौल बन जाएगा। सही बात है। एक मिनट भाई मेरा बैग ले। तुम सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो? सब लोग चुप क्यों? कुछ तो बताओ। चाचा जी मैं बताता हूँ। हाँ बता। दरअसल बात ऐसी है कि सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा, आपकी आंखें गुस्से से लाल हो जाएगी। ऐसी क्या बात? समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। अरे जहां खड़ा है वहीं से शुरू कर। मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। हमारी सोसाइटी के सारे मर्द, मतलब सारे शादीशुदा मर्द क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं। क्या? और सब हमसे झूठ बोल के घर से बाहर निकले चाचा जी। झूठ नहीं बोला। जेठिया भी पार्टी शार्टी में शामिल है। चाचा जी इस पूरी पार्टी शार्टी की प्लानिंग शायद जेठालाल ने की है। बोल अब्दुल। जीठा भाई चाचा जी बाहर गाँव से वापस आ गए। क्या बाबूजी आ गए? क्यों? अरे वो तो कल सुबह आने वाले थे। अरे मुझे क्या पता, लेकिन अभी सभी के साथ क्लब हाउस आ रहे हैं। छुपा जल्दी छुपा। अरे जेठाला शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इतना क्यों डर रहे हो? हम सच में पार्टी शार्टी थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो शरबत है। हाँ पर बापूजी नहीं मानेंगे, वो डांटेंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चाचा जी भी सबके साथ अप्रैल फूल बन जाएंगे। अरे वो नहीं बनेंगे, वो मानेंगे नहीं कि इसके अंदर शरबत है। तो थोड़ा सा चखा देंगे। अरे वो नहीं चखेंगे छोटी। तो पोपटलाल को चखा देंगे, वो सबको बता देगा कि इसमें शरबत है। अरे सब फंसेंगे, बोल देता हूँ सब फंसेंगे। जेठालाल कुछ नहीं होगा, थोड़ी तुम बोतल खोलो। जेठिया बापू जी आप। हाँ तेरा बाप। कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन अच्छा हुआ ना कि
में आज ही आ गया। अरे मैं एक दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम इन सबको इकट्ठा करके ये सब कर रहे? नहीं नहीं बापूजी, मैं मैंने किसी को इकट्ठा नहीं किया, पीछे को चले। हाँ एक्चुअली बात दरअसल ये चाचा जी, आप तो कुछ बोलिए ही मत। और आप बबलू के घर गए थे ना, यहाँ क्लब हाउस में है बबलू का घर। और अगर तुम कहाँ है तुम्हारे बॉस? ये तुम्हारा प्रमोशन है क्या? और रोशन तुम मुझसे झूठ बोल के पार्टी शार्टी करने के लिए चला आया। तारक आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पार्टी शार्टी है। हंस मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया था, पर तुमने इस पार्टी शार्टी के लिए खाने को ठुकरा दिया। तुमने सिर्फ खाने को नहीं ठुकराया है, तुमने मेरे प्यार को भी ठुकराया है। अरे तुम सबको शर्म आनी चाहिए, परिवार से झूठ बोलकर यहाँ पार्टी शार्टी करते हो। सच बोल के परिवार वाले कहाँ करने देते हैं पार्टी शार्टी। ये देखो ये क्या बोल रहा है, लगता है एक बोतल पहले ही खाली करके बैठा है ये सोड़ी। अरे चाचा जी, ये लोग वो लोग हैं जो अपने परिवार से ज्यादा पार्टी शार्टी को प्यार करते हैं। बिल्कुल, अभी उतरता हूँ इन सब का नशा, सोसाइटी से बाहर ही निकलता हूँ। जो हमसे झूठ बोल के ऐसे पार्टी शार्टी करने आता है ना, हमें ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। नीतर मंटे इन लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाले, इससे अच्छा हम लोग ही चले जाते हैं अपने मायके। नकल माधिक, मैं भी। बापूजी आप मायके? मायके नहीं भाई के, भाई के अपने भाई के घर जाऊंगा, बचाओ। ओए पप्पू, तू कुछ नहीं बोलेगा कि तू किथे जा रहे? अरे मैं क्यों जाऊं, मुझे थोड़ी मेरे किसी अपने ने धोखा दिया है, क्या है कौन मेरा अपना? बराबर है, जो अपने होते हैं वो कभी धोखा नहीं देते, और जो धोखा देते हैं ना वो कभी अपने नहीं होते। चलो सब लोग चलो। ये सब हंस क्यों रहे हैं? नशा नशा करवा रहा है इनसे ये सब। अभी इनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब नशा उतरेगा ना तब समझ में आएगा कि इन सब ने क्या खोया है। अरे शर्म नहीं आ रही है आप सबको? अरे हंसे ही जा रहे हो। अरे बेशर्मो हंस क्यों रहे हो बोलो। क्योंकि आप सब बन गए हैं अप्रैल फुल। मतलब? अरे आज कौन सी तारीख है? पहली अप्रैल, इसीलिए हमने आपको बना दिया है अप्रैल फुल। वाह मजा आ गया, जो सोचा था वही हुआ, आखिरकार हम कामयाब हो गए, सब अप्रैल फुल बन गए। ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी किसी भी सिग्नल पर रुके बिना सीधे मंजिल तक पहुंच गई। पर भाई ये गोकुलधाम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कहीं ये मजा सजा में न बदल जाए, हमारी खुशी के रॉकेट पर संकट के बादल ना छा जाए। कहानी में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, हम पर कौन सा हंगामा छाने वाला है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मजा आने वाला है।
तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।